तो मेरे पास है ये ऑनर की बैंड 5। इसके अनबॉक्सिंग में पहले कर चुका हूं, अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मैं शेयर कर दूंगा। और आज हम करने वाले इन डेप्थ रिव्यू, एक्चुअल में इसको यूज करते हैं, मुझे ऑलमोस्ट 20 to 30 days हो चुके हैं। और आपको बताता हूं, यहां पे मैं स्टेप्स काउंटिंग है तो ऑलमोस्ट यहां पे 150,000 के आसपास चल चुका हूं। और आज हम करने वाले इसका इन डेप्थ रिव्यू की एक्चुअल के अंदर कितनी वर्थफुल है, कहां पे अच्छी है, कहां पे अच्छी नहीं है, कितनी एक्यूरेट है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बने दोस्तों वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्चुअल के अंदर ऑनर बैंड 5 यहां पे कितनी वर्थफुल होने वाली है आपके लिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करूं इसकी स्टेप्स काउंटिंग कितनी यहाँ पे एक्यूरेटली स्टेप्स काउंटिंग वगैरह हो जाती है, तो अगर दोस्तों यहाँ पे जो स्टेप्स काउंटिंग है बहुत ही अच्छी है, 98-99% तक सही आपको एक्यूरेट स्टेप्स काउंटिंग देता है ये फिटनेस बैंड, तो स्टेप्स काउंटिंग कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इस डिपार्टमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और फिटनेस बैंड का जो सबसे बड़ा गोल होता है वो होती है स्टेप्स काउंटिंग, तो इस ऑनर बैंड 5 के अंदर स्टेप्स काउंटिंग काफी अच्छी है। इसके दोस्तों बात करूँ इसके हार्ट रेट सेंसर की, तो यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर काफी बार अच्छे से वर्क करता है, काफी बार अच्छे से वर्क नहीं करता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। तो कभी कभी दोस्तों आपकी जो हार्ट रेट होती है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे दिखा देता है, तो मैं उसको एक्यूरेट नहीं कहूंगा, बट 90% दोस्तों ये आपको एक्यूरेट हार्ट रेट दिखा देता है। बट कभी कभी दोस्तों ये आपकी जो हार्ट रेट सेंसर है ऊपर नीचे दिखाता है। रीजन दोस्तों यहाँ पे जब ये आपके हाथों के ऊपर अच्छे से फिट नहीं होता है तो वहां पे थोड़ा सा हार्ट रेट सेंसर अच्छे से वर्क नहीं करता है। इसके दोस्तों बात करता हूँ मैं इसके फिटनेस मोड की, तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक्चुअल के अंदर कितने फिटनेस मोड मिल रहे हैं। वर्कआउट के अंदर हम जाके चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटडोर रन, इंडोर रन, आउटडोर वॉक, इंडोर वॉक, इंडोर साइकिलिंग, एलिप्टिकल, रोवर, पूल स्विम, फ्री ट्रेनिंग, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। तो आई थिंक एक्टिविटी के हिसाब से फिटनेस बैंड यहाँ पे काफी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दोस्तों बात करता हूँ मैं इसके चार्जिंग टाइम की और इसके बैटरी ड्रेन की, तो आपको बताया था दोस्तों यहाँ पे चार्ज होने में बहुत ही कम टाइम लेता है, 50 to 60 minutes के बीच के अंदर ये 100% चार्ज हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका दोस्तों बात करूँ डिस्चार्ज की, तो यहाँ पे मेंशन है कि 14 days का बैटरी बैकअप मिलता है, बट इन रियलिटी दोस्तों ये आपको 6 to 7 days ही बैटरी बैकअप दे देगा। आपको बताया था दोस्तों मैंने यहाँ पे 24 hours हार्ट सेंसर यूज नहीं करता हूँ, उस केस के अंदर जब यहाँ पे जो मेजर जो गोल है वो स्टेप्स काउंटिंग है, उसके अंदर भी ये 6 to 7 days का बैटरी बैकअप देता है। आई थिंक बैटरी बैकअप काफी कम है और इसके अंदर ऑनर बैंड 5 को इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल 6-7 days भी काफी अच्छा ऑप्शन होता है, बट प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है बैटरी बैकअप लंबा होना चाहिए था। तो ये था दोस्तों उसका बैटरी डिपार्टमेंट। दोस्तों बात करूँ बेसिक फंक्शन की, तो इसके अंदर सारे बेसिक फंक्शन अवेलेबल, आपको स्टॉप वॉच, टाइमर, फेस वॉच, जितने भी ऑप्शन होते हैं, फाइंड फोन वगैरह सब आपको इस वॉच के अंदर मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी बेसिक फंक्शन है सारे इसके अंदर अवेलेबल है और इस डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके दोस्तों बात करते हैं नोटिफिकेशन की, एक्चुअल के अंदर कॉल, मैसेज, मेल वाले नोटिफिकेशन कैसे शो कर देता है, तो यहाँ पे अच्छी चीज है दोस्तों, जैसे किसी का कॉल आता है ये आपको डायरेक्ट दिखाएगा कि किसका यहाँ पे कॉल आ रहा है, उसका यहाँ पे आपको नाम भी शो कर देगा। और साथ ही दोस्तों आप डायरेक्टली इस वॉच के थ्रू जिसका फोन आ रहा है उसको कट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों आप उसको उठा नहीं सकते हैं, बट डायरेक्टली उस फोन को कट कर सकते हैं। सर दोस्तों मैसेज के अंदर आपको इसके अंदर मेल के नोटिफिकेशन दिखा देगा, सिंपल व्हाट्सएप के मैसेज भी दिखा देगा, नॉर्मल मैसेज भी दिखा देता है, एक बार के अंदर सिर्फ 10 मैसेज ही इसके अंदर लोड कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। एक और चीज, इससे आप बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर सकते, आप इसे बस रीड कर सकते हैं, रिप्लाई नहीं कर सकते। तो आई थिंक दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे और इम्प्रूव किया जा सकता था, छोटे मोटे 1-2 ओके, यस, नो के रिप्लाई के ऑप्शन इसके अंदर देने चाहिए थे, जो कि इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। बट ओवरऑल नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें दोस्तों कलरफुल डिस्प्ले है तो काफी अच्छे लगते हैं, और सारे मेजर जो नोटिफिकेशन है वो आपको इजीली इसके अंदर मिल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ दोस्तों, रेंज काफी अच्छी है, आप इजीली 20 feet के आसपास इसको पहन के अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे रेंज काफी अच्छी है और इस डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आई है। बात करता हूँ दोस्तों ऑक्सीजन लेवल की, तो इसके अंदर बॉडी ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट नहीं है। जी दोस्तों, आप इससे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मेजर नहीं कर सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों ये इसका इंडिया वेरियंट है, मैं इसको फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, और जो इसका ग्लोबल वेरियंट है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अनफेयर है कि जो फ्लिपकार्ट या फिर इंडिया के अंदर जो डिवाइस मिल रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे जो ग्लोबली यहाँ पे लॉन्च किया गया उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल देना आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर है इंडियन कस्टमर्स के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई है। इससे दोस्तों बात करता हूँ कुछ और यहाँ पे इश्यूज की, तो बता दो दोस्तों इसके अंदर आपको म्यूजिक कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। आप अपने इस बैंड के थ्रू
म्यूजिक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों काफी सारे वॉचेस के अंदर जो कि इससे कम प्राइस में आती है उसके अंदर कैमरा का ऑप्शन भी मिलता है, आप डायरेक्टली वॉच के थ्रू कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं, आपसे सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी दिक्कत आ रखी है, अगर मुझे अपने दोस्तों फोन को स्टेबल कहीं रख के फोटो क्लिक करनी है तो मैं इस फिटनेस बैंड के थ्रू फोटो क्लिक नहीं कर सकता हूँ, मुझे लगता है काफी बड़ा इसका ड्रॉबैक है। और एक और चीज दोस्तों, इसके अंदर आपको बीपी मेजरमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है जो कि इन्फिनिक्स एक्स बैंड 3 के अवेलेबल था। आई थिंक दोस्तों प्राइस डिपार्टमेंट थोड़ी सी हाई है बट फीचर्स यहाँ पे काफी कम है, तो इस चीज के अंदर भी मुझे थोड़े से यहाँ पे इश्यू नजर आए हैं। मैं दोस्तों बात करता हूँ इसकी वेट डिपार्टमेंट की, पहनने में कितने कंफर्टेबल है, तो यस पहनने में दोस्तों काफी कंफर्टेबल है, आई थिंक पहनने में कोई दिक्कत मुझे नहीं आई है। इवन दोस्तों मैंने इसको पहन के रनिंग वॉकिंग जॉगिंग सब कुछ यहाँ पे ट्राई किया था और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि डिसकंफर्टेबल है। इवन दोस्तों मैंने अभी इसको पहन के क्रिकेट वगैरह भी खेला है तो मुझे इस दौरान कोई दिक्कत नहीं आई है, बहुत ही कंफर्टेबल पहनने के अंदर, लाइट वेट भी काफी है और आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने एक फिटनेस बैंड हैंड के अंदर पहन रखी है। तो यस इस दौरान कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काफी अच्छे परफॉर्म कर जाता है, ब्रेसलेट लुक भी काफी अच्छा आता है, नॉर्मल वॉच के अंदर लुक आ रहा है, इस डिपार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोस्तों बात करता हूँ वाटर रेजिस्टेबिलिटी की, तो यहाँ पे ये फुली वाटर प्रूफ है जी हाँ दोस्तों, आप 50 मीटर की रेंज तक इसको पानी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको चेक किया है बारिश वगैरह तब यहाँ पे इसको भिगो के अच्छे से चेक किया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है। तो इस डिपार्टमेंट डेफिनेटली यूजफुल है, वर्थी है और प्योर यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट है और आई थिंक बहुत ही यूजफुल फीचर है फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूजफुल है। दोस्तों बात करता हूँ ओवरऑल ओपिनियन की, एक्चुअल के अंदर ये ऑनर बैंड 5 फिटनेस बैंड आपके लिए कितना सही हो सकता है। तो दोस्तों बता देता हूँ प्राइस की बात करता हूँ तो 2600 रुपीज के अंदर आपको इसका डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी मिल रही है, यूए काफी अच्छा मिल रहा है और जितने भी मेजर जो वर्कआउट वगैरह मोड है सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट कुछ सेंसर यहाँ पे मिसिंग है जैसे ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल और यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल, साथ ही दोस्तों कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। आई थिंक दोस्तों क्वालिटी वगैरह अच्छी है, एक्यूरेसी काफी सही है, बट प्राइस के हिसाब से 2600 रुपीज से समथिंग मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों 2600 रुपीज काफी ज्यादा प्राइस होती है और आई थिंक दोस्तों क्योंकि ब्रांड ही ऑनर है जो कि कम प्राइस में अच्छे ऑप्शन प्रोवाइड करा सकता था, वहां पे हमें इतने अच्छे ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं। अगर इसकी प्राइस 2200 रुपीज समथिंग कुछ होती तो भी एक बार इसको रिकमेंड कर देता क्योंकि इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले वगैरह कुछ मिल रहा है, बट 2600 मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पे एक्स्ट्रा प्राइस दी गई है और मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी के अंदर ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो ये था आज का वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताइएगा और आपको कोई ओपिनियन सुझाव है तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे आपको लाइक करने में बहुत खुशी होगी। मिलता हूं आपको मैं अगले वीडियो में, तब तक हमेशा विमेन की रिस्पेक्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेव ना डाटा, बाय बाय।